Hello students, welcome to UT Campus. I am Saurav and today I am going to deal with the most important topic of SSC CGL. I am talking about English language, fine? तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एसएससी सीजीएल टायर टू में है वो है नरेशन। अब पूछेंगे क्यों, ये मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन एक बार दोहरा दूं आप बच्चों के लिए। आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस 25 टू 27 क्वेश्चंस जो है वो नरेशन से पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हैवी वेटेज वाला टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नरेशन, लेट्स बिगिन। और देखिए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नरेशन क्या होता है। जब आप कोई मैसेज कन्वे करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, कम्युनिकेशन का दो तरीका होता है, एक डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। जब आप किसी स्पीकर की कही गई बात बिना किसी वर्ड को चेंज किए एज इट इज कहीं कन्वे कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और जब आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके बता रहे हैं कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा था तुम्हारे लिए, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस नरेशन को ही आप दो नामों से जानते हैं। इसके अंदर दो छोटी छोटी चीजें हैं। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने जा रहे हैं, तो वो भी करेक्ट है। मैं दोनों बातें लिख देता हूं ताकि दोनों चीजें आपको ध्यान रहे, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। बात आ रही है समझ में आप सबको, है ना? तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो सब कुछ एक साथ नहीं बताया जा सकता, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो मैं पहले स्टेप्स आपको मेंशन कर देता हूं जिसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ पर्सन से। अब पर्सन से मेरा मतलब क्या है आप समझ रहे होंगे, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरी चीज है चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आसान भी है क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बस वही आपको चेक करना है। और तीसरी चीज जो हम लोग नरेशन के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो है नो चेंज इन टेंसेस, मतलब किन किन कंडीशंस में आप डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तो आप टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज जो है वो है चेंज ऑफ सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं ये सब आप जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार जब इस टॉपिक पे आऊंगा तो दोहरा दूंगा। हाँ, मैं असर्टिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इन्हीं सब की बात मैं कर रहा हूं। तो ये चार चीजें आपको ध्यान देनी है। आपको छोटा सा मैं हिंट दे दूं, कहीं कहीं चेंज ऑफ पर्संस को चेंज ऑफ प्रोनाउंस के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आप भी समझते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन बेसिकली प्रोनाउन ही है। मैंने पर्संस इसलिए लिखा नहीं, कभी कभी आपको सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नेम भी गिवन होता है। ठीक है, तो मैं पहले इसकी ब्रीफिंग आपको कर देता हूं, चूंकि कुछ टर्म्स है वो जानने जरूरी है, और जितने रूल्स मैं लिखूंगा उन सब में वो टर्म बार बार आएंगे, मैं लिखता हूं आप देखते चलिएगा। अब देखिए मैंने एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लिख दिया है, तो मुझे जो चार टर्म्स आपको समझाने हैं तो मैं आपको सेंटेंस में ही समझाता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से पहचानते हैं कि जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल याद होगा, आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है आपका। इसमें मुझे समझाना क्या है कि कॉमा के लेफ्ट साइड, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं चार टर्म्स पे मैं पूरे नरेशन के रूल्स को बेस करूंगा, और जहां जहां मैं रूल आपको लिखाऊंगा मैं कोशिश करूंगा रूल्स ऑलरेडी लिख के फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूं, सो दैट कि आपका टाइम मैं सेव कर सकूं। ठीक है, ये जो कॉमा की लेफ्ट साइड है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। बात आ गई समझ में, ध्यान से सुनिएगा, कॉमा की लेफ्ट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और इसके अंदर जो भी वर्ब होगा उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर जो मैंने सेंटेंस रखा हुआ है, इस सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखते चलिएगा। रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं क्योंकि वैसे तो मैंने आपका इसका वेटेज आपको मैंने टायर टू के लिए बताया, लेकिन टायर वन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बात आप समझ ही गए कि इसके अंदर जो भी वर्ब होगा उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे। मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं, कॉमा के लेफ्ट साइड वाले को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक, अब हमारा जो मेन स्टेटमेंट हम कन्वे करते हैं जिसको हमने कोटेशन मार्क के अंदर रखा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा हुआ है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब होगा वही रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। बात आ गई समझ में? अब मैं इसी पर आपको वन बाय वन करके सारे रूल्स में समझाऊंगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि कॉमा के लेफ्ट साइड रिपोर्टिंग स्पीच, कॉमा के राइट साइड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलिए हमें शुरू करते हैं चेंज ऑफ पर्सन से। हमें क्या क्या पढ़ना है नरेशन के अंदर, ये पहले मैंने आपको लिख दिया था। मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस में आपको नरेशन समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम रेडी। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस है, आप चाहें अगर आपको पता हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। मैं इसके साथ के लिए पहले आपके लिए रूल लिख देता हूं, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चेंज ऑफ पर्सन से। ठीक, और सो दैट कि आपका टाइम थोड़ा सा बच सके तो मैंने रूल और एक एग्जाम्पल पहले ही लिख दिया है, है ना। अब इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए रूल क्या कहता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, आराम आराम से समझिएगा, मैंने आपको पहले ही इन चीजों का डेफिनेशन बता दिया है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। याद है कि रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और कॉमा के लेफ्ट साइड वाला होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए आपका रूल क्या कहता है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है, आई है। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। ठीक, और आप थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में जाते रहे साथ के साथ, इसलिए मैंने फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आता है मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं। तो इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ कि आई और वी में से कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या बताया था मैंने आपको, कॉमा के लेफ्ट साइड वाला। कहने का मतलब क्या हो गया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन साथ में कुछ चीजें और हैं बताने के लिए, मैं पहले बता देता हूं फिर हम लोग चेंजेस के ऊपर चलेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि सेड टू जो होता है वो टोल्ड में बदल जाता है, ठीक, और अगर सेंटेंस में सिर्फ सेड होगा तो वो सेड में ही रह जाएगा, आप चेंज नहीं करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर है सेड टू, यहां पर क्या है आपके पास, सेड टू है। तो जब हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ही टोल्ड, सेड टू की जगह टोल्ड लिख दिया और ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख दीजिए। और ये भी आपको याद होगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जब हम रिप्लेस करते थे हम वहां पर दैट लगाते थे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम क्या करते थे, दैट लगाते थे। और अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलिएगा, अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो हम यहां पर लिखेंगे ही। ठीक, और मैंने आपको बोला था कि सारी बातें इकट्ठी नहीं समझाई जा सकती, तो अब ये भी ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टेड वर्ब जो होगा वो अपने पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। जो भी रिपोर्टेड वर्ब होगा वो अपने पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर एम है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, यहां पर वॉज हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? देखिए इकट्ठा सब कुछ नहीं बता पाऊंगा मैं,
वन बाय वन करके चलेंगे तो जब आप दो तीन टॉपिक इसमें कर लेंगे तब आप समझेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो ही वॉज रेडी फॉर द टेस्ट, ही वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। अब मैं पहले आपको समझा दूं कि मैंने किया क्या। एक तो सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको याद भी होगा लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन आपको मिल जाए, इसलिए मैंने लिख दिया कि आपका सेड टू इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ये टोल्ड में बदल जाएगा। और अगर ये टू नहीं होता तो ये मी भी नहीं होता, ये सीधा अगर ही सेड होता तो सेड सेड में ही रह जाएगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दैट में बदल जाता है। और तीसरा जो हमारा रूल क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन। अब ये देखिए, आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, तो हमारा सब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। बात आई समझ में कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो किसके अकॉर्डिंग चलेगा, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो हमने क्या किया, आई को ही में चेंज कर दिया और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, आई रिपीट, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जिस भी टेंस में होगा वो अपने पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यहां देखिए प्रेजेंट टेंस में था, सिंपल प्रेजेंट में था, तो हम इसको सिंपल पास्ट में लेके जा रहे हैं, तो एम चेंज हो गया वॉज में और बाकी रेडी फॉर द टेस्ट एज इट इज रह जाएगा। बात आई समझ में? तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूंगा। चलिए, अब मैंने चेंज ऑफ पर्सन का रूल नंबर टू आपके लिए लिख दिया है। अब रूल नंबर टू पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकेंड पर्सन। रूल नंबर वन में क्या था, फर्स्ट पर्सन जिसमें जनरली हम आई और वी को रखते हैं और सेकेंड पर्सन में हम यू को रखते हैं, ठीक है। तो इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपको याद होगा इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला, इज सेकेंड पर्सन, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सो देख लो, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता था और ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। अब जरा एग्जाम्पल पे आ जाइए, क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकेंड पर्सन, तो यू हमारा क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है, ठीक। तो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सेंटेंस को, इस डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने जाएंगे तो जो हमारा यू है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। He as it is रह जाएगा, ये आप जानते हैं। और फिर देखिएगा कि said to के बाद object है, इसका मतलब said to की जगह हम told लिख देंगे, object as it is रह जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि comma और inverted comma को replace करके हमें connector लगाते हैं that यहाँ पर, और ये आपको मैंने बता दिया rule में कि you किसके according चलेगा, object के according चलेगा। यहाँ हमारा object क्या है, me है, ठीक। तो मी का सब्जेक्ट की फॉर्म क्या होगा, आई हो जाएगा। तो ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर लेट को जब हम चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट, अब यू की जगह हम आई लिखेंगे, क्योंकि मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होगा आई। और ये आपको मैंने लास्ट स्कूल में बताया था कि टेंस अपने पास्ट टेंस में बदल जाएगा, यहां भी सिंपल प्रेजेंट है, ये चेंज हो गए पास्ट में चला जाएगा। तो ये अब नया सेंटेंस जो आपका बना इनडायरेक्ट स्पीच का, वो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। एक बार फिर समझने की कोशिश करिएगा, ये तो बिल्कुल ध्यान रहेगा कि सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, ऑब्जेक्ट एज इट इज रह गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिप्लेस कर दिया दैट से, यू हमारा चेंज हो गया आई में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आर चेंज हो गया वॉज में, क्योंकि हमें टेंस को उसके पास्ट टेंस में चेंज कर देना है, और लेट एज इट इज रह गया, ठीक।
तो आपका पूरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब आप जाएंगे तो ये सेंटेंस बदलकर हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट वाला रूल क्या था कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अब सेकेंड पर्सन होगा तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक, डन। चलिए अब मैं इसी तरह आपको इसमें एक दूसरा रूल है वो भी मैं पहले कह देता हूं, तब मैं समझाऊंगा कि सेंटेंसेस जो आपको चेंज करने के लिए मिलते हैं उनमें हमेशा ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है। बात आ रही है समझ में? डायरेक्ट स्पीच में हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो अभी तो हमने देखा कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा है, जब हमारा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होगा तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जब ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया होगा फिर हम क्या करेंगे, इसी को हम देखेंगे रूल नंबर थर्ड में। चलिए देखिए रूल नंबर थ्री आपके सामने में है। अभी मैंने रूल नंबर टू में आपको क्या बोला कि कभी कभी डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं दिया रहता है, और रूल नंबर टू क्या कहता है कि यू जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब का तब आप यू को कैसे चेंज करेंगे। तो देखिएगा मैं एक बार रूल आपके लिए पढ़ देता हूं, ठीक है। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकेंड पर्सन, ये बात हम लोग लास्ट रूल में भी कर चुके हैं, एंड द ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट भाई, तो रिपोर्टिंग वर्ब का, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब आप समझ रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के लेफ्ट साइड वाला। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकेंड पर्सन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज नॉट बीन गिवन, अगर आपको ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तब हम क्या करते हैं, यू इज डायरेक्टली चेंज इन टू ही, मैंने कैपिटल्स में लिख दिया ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए, यू इज डायरेक्टली चेंज इन टू ही, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्या करना है कि यू को हम डायरेक्टली ही में चेंज कर देंगे इरेस्पेक्टिव कि आप वहां पर जेंडर ढूंढना शुरू करें। जेंडर का कोई मसला नहीं कि सर हम ही की जगह शी क्यों नहीं लिखेंगे, रूल यही कहता है तो आपको भी यही लिखना है, लेकिन ये कब लिखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया रहे। ठीक, तो अब देखिए चेंज होके कहां जाएगा, शी सेड। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने रूल नंबर वन में आपको बताया भी था कि सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट होगा तब वो टोल्ड में चेंज होगा, और अगर सेड अकेला है तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेड में ही रह जाएगा। ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यहां पर दैट लगा देंगे, और बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपके रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू जरूर है, सेकेंड पर्सन जरूर है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो ये सीधा सीधा ही में चेंज हो जाएगा। यहां लिखेंगे हम ही, और टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, तो ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा, तो टीच की जगह आप टॉट लिख देंगे तो ही टॉट, और नेम में कोई चेंज नहीं करना है तो रजत आप एज इट इज लिख देंगे। तो आपके तीसरे रूल का जो कन्वर्सन है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट वो क्या बन गया, शी सेड दैट ही टॉट रजत। बोलने में अटपटा लगेगा लेकिन रूल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं दिया गया इसलिए यू डायरेक्टली ही में चेंज हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट में जाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जानी है, और बाकी आप जानते ही हैं कि सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसलिए सेड सेड में ही रह जाएगा, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा आपका दैट में बदल जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक, अब चलते हैं रूल नंबर फोर की तरफ। चलिए रूल नंबर फोर, फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, सेकेंड पर्सन की बात हो गई, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो सेकेंड पर्सन के साथ क्या करना है ये भी बात हो गई। अब हम चलते हैं अगले रूल पे, और आप समझ ही चुके हैं कि अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पर्सन की। ठीक, तो बाकी कहानी वही है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन, देखो थर्ड पर्सन में बहुत कुछ आता है, तो मैंने आपके हेल्प के लिए और आपके हेल्प के लिए लिख दिया है, आपको सेंटेंसेस जो मिलेंगे ही शी से मिलेंगे, या कोई नेम दिया रहेगा कुछ भी, कोई भी नाम हो सारा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन आप समझते भी हैं, जस्ट हिंट के लिए मैंने ये मेंशन कर दिया इधर। ठीक है,
और साथ में एक एग्जांपल आपके लिए मैंने लिख दिया। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त उस सब्जेक्ट को चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं दोहराता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि नो चेंज इज मेड टू द सब्जेक्ट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, थर्ड पर्सन को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब जरा देखिए क्या कहानी है आपके पास। यू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट शी राइट्स अ लेटर। ठीक, अब देखो ये सब्जेक्ट क्या है, ये शी क्या है हमारा, ये हमारा थर्ड पर्सन है। ठीक, तो अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इस सब्जेक्ट को हमको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जरा चेंज देख लें क्या होने जा रहा है। यू, अब फिर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जब तक समझ ना जाए मैं दोहराता चलूंगा। सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसका मतलब सेड सेड में ही रह जाएगा। तो यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम दैट लिख देंगे, और हम हर बार क्या करते थे कि इसको तुरंत बदल दिया करते थे, लेकिन चूंकि ये थर्ड पर्सन है तो ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। और राइट से मतलब वो आपकी फिफ्थ फॉर्म है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। तो राइट्स की जगह अब हम सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। अब आपको क्या है पूरा आप देख लीजिए, अब एक बार यू सेड शी राइट्स अ लेटर, ये आपका डायरेक्ट स्पीच था। जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो सेड एज इट इज रह जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हम दैट से रिप्लेस कर देंगे। शी को भी चेंज नहीं करना है क्योंकि शी हमारा थर्ड पर्सन है, बार बार दोहरा रहा हूं इस बात का ध्यान रखिएगा, शी हमारा थर्ड पर्सन है। राइट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म था मतलब सिंपल प्रेजेंट था, ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले लेगा और बाकी वर्ड्स एज इट इज रह जाएंगे। तो चेंज करके हमारा सेंटेंस बनेगा, यू सेड दैट शी रोट अ लेटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। अब जो रूल्स हमने चेंज ऑफ पर्संस के लिए देखे हैं, मैं इनको एक छोटे से फॉर्मूला में सम अप कर देता हूं। अगर आपने भी कोई बुक कंसल्ट किया होगा तो वहां आपको ये फॉर्मूला मिल गया होगा, तो आपको एक शॉर्ट रिवीजन भी मिल जाएगा और ये आपका बेसिक और मेन फॉर्मूला तो याद भी रहना जरूरी है। ठीक है, देखो मैंने ऊपर लिखा है एस ओ एन सन और नीचे 1 2 3। ये 1 2 3 किस चीज के लिए लिखा है आपको बता देता हूं। ये 1 जो है ये फर्स्ट पर्सन है, 2 स्टैंड फॉर सेकेंड पर्सन, 3 है आप समझ ही गए होंगे, फिर भी लिख दे रहा हूं, ये 3 है आपका थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन है ये किसकी वाली साइड का है वो भी देख लो, रिपोर्टेड स्पीच वाली साइड का। रिपोर्टेड स्पीच याद है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस हुआ करता है। ठीक, अब देखो ऊपर एस ओ एन लिखा हुआ है, ये एस जो है स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और एंड फॉर नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज। अब देखिए बात क्या है कि आपको पूरा फर्स्ट रूल क्या कहता था कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, इसलिए मैंने 1 के ऊपर एस लिख दिया। ठीक, आपको ध्यान रहेगा क्या ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ठीक, अब आपको आई वी वाला सेंटेंस याद आ जाएगा। सिमिलरली रूल नंबर 2 था क्या हमारा, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं यू की बात चल रही है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगा, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। किसका ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। ठीक, क्या बोला मैंने कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकेंड पर्सन तो इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, और इसी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा
तब ये डायरेक्टली ही में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये मैंने दूसरा एरो मार के बना दिया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तब यू को डायरेक्टली ही में चेंज कर दीजिएगा, ज्यादा जेंडर में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक, और तीसरा अगला रूल क्या है आपका कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन हो। ठीक, अब थर्ड पर्सन आप समझ रहे हैं, ही हो, शी हो, स्टूडेंट्स हो, कोई नाम हो, राम हो, सौरभ हो, उपासना हो, बनी हो, कुछ भी हो, तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कोई चेंज नहीं देते, वो अनचेंज्ड रह जाता है, तो नो चेंज हो जाता है। तो बेसिक इसमें समझने वाली क्या बात है कि अगर आपको एस ओ एन और नीचे 1 2 3 याद रहेगा, तो ये जो चार फॉर्मूला हमने अभी आपको सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ समझाया वो आपको आसानी से याद रहेगा। तो आप नोटबुक के साइड में कहीं भी अगर छोटा सा आप चाहें तो एस ओ एन लिख लीजिए और 1 2 3 लिख लीजिए, यही बेसिक फॉर्मूला है चेंज ऑफ पर्संस का। ठीक, और इसी को मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, ऑलमोस्ट एक डायग्रामेटिक व्यू है आपके लिए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ चेंज ऑफ पर्संस। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो है चेंज ऑफ टेंसेस। ठीक,